ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक। पहला, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो एक ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कैलोरी के स्थान पर किलो कैलोरी का भी उपयोग किया जा सकता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। दूसरा, चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, इसलिए ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणित 10^3 जूल। 3.2.1 ऊष्मा का संचरण। हमने देखा कि जिस प्रकार द्रव सदैव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है, ऊष्मा का प्रवाह भी सदैव ही उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। आपने कक्षा 9 में ध्वनि के बारे में पढ़ा है। ध्वनि संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सोचिए, क्या ऊष्मा के संचरण के लिए भी सदैव किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? आइए हम ऊष्मा संचरण के 3 प्रकारों को जानें। चित्र क्रमांक 4। ट्रांसफर का मतलब है हीट, यानी ऊष्मा का एक बॉडी या सब्सटेंस से दूसरी बॉडी में रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या इन सारे प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशंस के द्वारा होने वाला मूवमेंट। उदाहरण के लिए, गैस की लौ पर एक पैन में पानी गर्म करते समय हीट इन तीनों तरीकों से ट्रांसफर होती है। लौ से हीट सभी डायरेक्शंस में रेडिएट होती है। बर्नर से मेटल के बने पैन तक हीट कंडक्शन द्वारा ट्रांसफर होती है। इस हीट ट्रांसफर के कारण ही कुछ समय बाद पैन का हैंडल भी गर्म हो जाता है। पानी कन्वेक्शन प्रोसेस से गर्म होता है, जो कि गर्म पानी के ऊपर उठने और ठंडे पानी के नीचे आने के कारण बनने वाला एक सर्कुलर मूवमेंट होता है। हीट ट्रांसफर को एक ऑब्जेक्ट के ठंडा होते समय भी देखा जा सकता है। यदि गर्म कॉफी का एक मग रसोई में एक टेबल पर रखा हो तो उसका तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि कॉफी अपनी हीट लूज करती रहती है। हीट एनर्जी मग से टेबल पर कंडक्शन के माध्यम से ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन से लिक्विड ऊपर उठता है और ठंडा होने पर वापस नीचे आता है, और रेडिएशन द्वारा हीट आसपास की हवा को ट्रांसफर होती है। पहला, चालन, कंडक्शन। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री, मोमबत्ती, लोहे, एल्यूमिनियम, कांच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड़, कुछ ऑलपिन। सभी छड़ों पर बराबर दूरियों पर मोम से ऑलपिन चिपकाएं। छड़ के एक सिरे पर कपड़ा बांध लें ताकि पकड़ने में आसानी हो। दूसरे सिरे को मोमबत्ती की लौ पर रखकर गर्म करें। आप क्या देखते हैं? चित्र 5अ। सभी छड़ों के ऑलपिन गिरने का समय नोट करें। क्या आप बता सकते हैं किस पदार्थ की छड़ का ऑलपिन सबसे पहले गिरा और क्यों? अब एक छड़ में मोमबत्ती से ऑलपिन को इस प्रकार चिपकाएं कि बीच का स्थान खाली रह जाए। दोनों ओर ऑलपिन समान दूरियों पर चिपकाएं। चित्र 5ब। अब छड़ को बीच में से गर्म करने पर क्या होता है? ऊष्मा के संचरण की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। आपने देखा कि धातु के छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी शीघ्र ही गर्म हो गया। गर्म होने पर छड़ के उस भाग के कणों में कंपनता बढ़ जाती है और उनमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे आने वाले अणुओं में ऊर्जा स्थानांतरण करते रहते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल इसी प्रकार संभव है। चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ऊष्मारोधी पदार्थ, इंसुलेटर्स, इनकी चालकता 0 होती है, ऊष्मा का संचरण नहीं होने देते, जैसे एबोनाइट,
एस्बोटस। कुचालक, बैड कंडक्टर, ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होने देते, जैसे लकड़ी, कांच। चालक, कंडक्टर, ऊष्मा का संचरण सरलता से होने देते हैं, जैसे धातु, जल। बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार।